गोपालगंज जिले में खाकी को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। जिले के विजयपुर थाने के एक पुलिसकर्मी ने बाइक चालक से अवैध वसूली की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, तो वहीं एसपी आनंद कुमार ने मामले की जांच कर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही एसपी ने क्या कुछ कहा, सुनिए आप। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है और इसके तहत जो भी कर्मी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी क्रम में पिछले दिनों ही ऐसी एक सूचना मिली थी सिद्धवलिया थाना अंतर्गत, उसमें एक सिपाही को सस्पेंड किया गया और 3 गृह रक्षक के जो जवान थे उनके बॉन्ड कैंसिलेशन की कार्रवाई की जा रही है। और जिस घटना के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं उसकी भी कंसर्न SDPO से हम लोग जांच करा के और जो भी उसमें रहेगा लिप्त उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। यह पहली दफा नहीं है कि प्रदेश में खाकी को शर्मसार किया गया है। इससे पहले भी पुलिस के द्वारा अवैध वसूली के कई मामले सामने आते रहे हैं। एक तरफ जहां राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं इस तरह की हरकत पुलिस विभाग पर सवालिया निशान खड़ा करती है। अब आप सुनिए कि अवैध वसूली के इस मामले पर DIG मनु महाराज का क्या कुछ कहना है। जो भी अवैध वसूली होगा, जो भी गलत काम होगा, उस पे साक्ष्य जहां भी मिलेगा उसको किसी को बख्शा नहीं जाएगा। उसकी सूचना SP साहब के नंबर पे दें, हमारे नंबर पे दें, उस पर जो भी जांच करवा के किसी को बख्शा नहीं जाएगा। उस पर कार्रवाई करवाएं, हम लोग कार्रवाई करेंगे और रैंडम चेकिंग भी हम लोग करेंगे, अगर पकड़े जाएंगे तो छोड़ेंगे।